हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये 22 मार्च वाले दिन का वीडियो है, यानी कि फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन का। तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते से मेरा कोई भी वीडियो नहीं गया। क्योंकि लास्ट वीडियो में शायद आपको मेरे बेटे ने बताया भी था कि मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, तो प्रॉपर तरीके से तो अभी भी सही नहीं हुई है। वैसे तो मेरी तबीयत आपको पता ही है कि हमेशा ख़राब रहती है, कभी कुछ होया ही रहता है, लेकिन फिर भी इस बार ना कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा आज छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये बस मंदिर वगैरह लगा रहे थे क्योंकि पूजा करनी थी। सारे नवरात्रे तो हम लोग रखते नहीं हैं, शादी से पहले मैं रखती थी सारे के सारे, पर जब मैं 12th क्लास में थी ना शायद, हाँ मुझे जब जॉन्डिस हुआ था उसके बाद से मैंने कोई भी व्रत वगैरह नहीं रखे, लास्ट का ही रखती थी। और अभी भी हम हस्बैंड वाइफ लास्ट का ही रखते हैं, बच्चे तो अभी छोटे हैं वो नहीं रखते। और यहाँ बस पूजा भी हो गई थी और याना भी उठ के आ चुकी थी, क्योंकि याना के पेपर हो गए थे 21 तारीख को ही ख़त्म। कावे स्कूल गया हुआ था पेपर देने के लिए, उसके ख़त्म नहीं हुए थे, तो बस पूजा वगैरह हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में बस सिंपल ही नाश्ता किया था, सब्जी बनी हुई रखी थी बिना लहसुन प्याज के ही, क्योंकि हम लोग क्या अधिकतर लोग नवरात्रों में लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते, कई कर लेते हैं प्याज वगैरह, पर लहसुन तो कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने रात को ना गोभी की सब्जी बना ली थी ताकि अगले दिन भी यूज़ हो जाए, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं डाला था। और साथ में बस सिंपल सी परौंठियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये भी चले गए थे काम पे इनके जाने के बाद। अब मुझे लगा थोड़ा सा जो मेरा काम रह गया था वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इनके सामने करो ना तो फिर ये डांटने लग जाते हैं मुझे कि वैसे तेरी तबीयत ख़राब है और तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है, कभी कुछ करे जा रही है। तो बस इनके जाने के बाद ही मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया। ज़्यादा कुछ तो मुझे रसोई में करना नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत ना मैं डेली का कर रही थी जब भी जैसे भी टाइम मिलता था। इस बार रसोई हमारी किस्तों में हिसाब हुई है, किसी दिन एक खाना कर लिया, किसी दिन एक खाना कर लिया, ऐसे ही कर रही थी मैं। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर कुछ करने का ही दिल नहीं करता, और इतने दिनों से तो बस ऐसे ही चल रहा था हमारे घर में। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि बिल्कुल खड़ा नहीं होया जाता था, और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी, जो कि अभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है। और यहाँ पे याना ने परौंठी बनवाई, और ये लड़की इतना तंग करती है, सिर्फ आधी परौंठी खाई बाकी रखवा दी। और कावे भी आ गया था स्कूल से और अभी वो कर रहा है डांस, क्योंकि उसके हो गए थे पेपर ख़त्म। तो यहाँ पे बस पूरी मस्ती कर रहा था इतने दिन से, ना कोई फ़ोन, ना कोई टीवी, ना खेलना, ना कुछ। तो यहाँ पे अब बिल्कुल फ्री हो चुका है थोड़े दिन के लिए, फिर तो पढ़ाई फिर से चालू हो जाएगी बच्चों की। तो यहाँ पे बस पहले ना मैं ये जो है सामान वगैरह हटा लूँगी, सिर्फ यही वाला पोर्शन रह गया था जो इतनी सी टाइल्स वगैरह ना सेल्फ, और ये जो खिड़की है वो साफ़ करनी रह गई थी, बाकी तो मैंने कर दी थी रसोई साफ, जाले वाले सब उतार दिए थे। तो जो ये ऊपर वाली जो खिड़की है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो रखी थी। एक ये हमारा जो साइड में जो है खिड़की छोटी सी, वहाँ पे शीशा हटा हुआ है ना, तो बाहर से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और यहाँ तो सच में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है ना, अगर आप सुबह कपड़े धो के सुखाते हो ना ग्रिल पे, शाम को अगर मैं कपड़े लेती हूँ उठाती हूँ ना, तो झाड़ने पड़ते हैं, इतनी मिट्टी हो जाती है। गैस तो वैसे भी जब हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो साफ़ होती रहती है, तो इतनी गंदी नहीं होती गैस। तो मैं ना पहले इसको ना चूल्हे को नीचे रख लूँगी ताकि ना ऊपर से अच्छे से साफ़ हो जाए इसके नीचे से। वैसे तो यहाँ से इतना गंदा नहीं था, यहाँ से तो साफ़ ही था, बस टाइलें वगैरह जो थी थोड़ी बहुत वो थी, क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह बनाओ ना तो उसके जो निशान वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं। वैसे तो खाना वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो उसके बाद मैं कपड़ा ना मार देती हूँ ताकि फिर वो उसके जो सब्ज़ी के निशान हो जाते ना वो फिर जम जाते हैं, तो सही से साफ़ भी नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई टाइलें वगैरह साफ़ करने में, साफ़ ही थी, ज़्यादा कुछ हो नहीं था। बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो कितना खुश हो गए हैं
क्योंकि ना जब पेपर चल रहे थे ना तो खेलने को मिल रहा था, ना फोन ना टीवी, तो बस अब जा रहे हैं खेलने के लिए। तो अभी जाएंगे खेलने और मैं अभी अपना जो काम बचा है वो ख़त्म करूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो शोर शराबा, कभी वो लड़ रहा है कभी वो लड़ रहा है, तो काम में भी इतना ना वो नहीं होता। तो बस थोड़ा सा ही रह गया था, बाकी तो हो ही गया था, बस टूटी के इधर से ही ना साफ़ करने रह गई थी टाइल्स वगैरह, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी। और यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो पूरे घर में टाइल थी, वहाँ तो इतना काम हो जाता था जब भी सफाई वगैरह करो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है फिर भी। और पहले सच में मैं इतना काम कर लेती थी, और जब से अब मैं बीमार रहने लगी हूँ ना याना के होने के बाद, तब से शरीर में मेरे को खुद को ही अजीब सा लगता है कि सच में बीमार बीमार, तो एक चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है कि जब देखो बीमार रहती हूँ मैं, खुद को ही अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे बस रसोई वगैरह पूरी साफ़ हो गई थी, और ये देखो टोकरी भी कितनी अच्छी लग रही है आलू प्याज वाली, इतने एकदम खाली खाली। और ये बॉक्स वगैरह जो बाहर के हैं वो भी मैंने एक ऐसे एक एक दिन करके पहले अंदर के किए फिर बाहर के किए, ऐसे कर करके इस बार मेरी रसोई साफ़ हुई है। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ मैंने अपने लिए काटा था पपीता, और बच्चों के लिए ना दूध वगैरह गर्म किया था, क्योंकि मैंने इनको ना कल बोला मेरा ना पपीता खाने का दिल कर रहा था, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा पपीता ले आया, क्योंकि इनको पता है ये फ्रूट वैसे तो खाती नहीं, अगर इसने बोला है तो ये झट लेके भी आ गए उसी टाइम। याना मत परेशान कर उसे, दे बाबू दे दे, कल कावे जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, दो चार दिन के लिए जाएगा, दो चार दिन के लिए जाएगा, दिल्ली से बाहर अकेला। अरे क्या हो गया तुम भाई, तो क्या, अरे भाई का ब्रश है फिर पिट, ओ देखो और हो गई लड़ाई दोनों में, कावे काटेंगे याना भाई को जाने नहीं दे रही है, याना आ जाएगा भाई, खुद तो रहती नहीं है कहीं पर, उसको तो रहने दे, अरे टॉवल देना रखा हुआ नहीं हूँ, ये भाई का है तो ब्रश भाई का है ना, जल्दी दे, अच्छा इसका टॉवल ला के दिखा रही हूँ, टॉवल जा, ये याना याना जब ना याना की हमने फर्स्ट लोहड़ी करी थी, याना तीन चार महीने की थी जब याना को दोनों टॉवल मिले थे, और आज निकाले जाके, मेरी बात सुन, ये एक भी ये वाला तेरा है, एक बड़े वाला भाई को दे दे, याना भाई ने कल जाना है ना, दे दे। छुट्टियां हो गई है ना बच्चों की, तो बस दोनों अब इतना तंग करते हैं, और याना तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है, क्योंकि कावे ने कल जाना है सुबह, जहां हम पहले रहते थे वहीं पर प्रियंका की मम्मी का घर है ऊपर वाले फ्लोर में, तो वहां पर जाएगा दो चार दिन रहने के लिए, क्योंकि वहां पे प्रियंका का भाई है कमल, जिससे कावे का बड़ा अटैचमेंट है, और वहां पे ना कावे के पुराने वाले जो दोस्त हैं स्कूल के वो भी रहते हैं, तो वहां पर भी जाएगा। तो बस खाना वाना खा लेंगे, अब हम लोग खाना बन गया था, और ये दाल इतनी अच्छी बनती है ना, मूंग साबुत दाल बनाई थी मैंने, कभी कभी बनती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो था, तो बस ये काम पे जा रहे थे, और याना भी ना साथ जाने के लिए कर रही थी, क्योंकि कावे भी जा रहा था, ये कावे को छोड़ते हुए आगे जाएंगे काम पे, तो मैं कावे को मना कर रही थी कि कावे मत जा, अगर मन नहीं लगेगा तो फ़ोन कर दियो, पर कावे की खुशी आप देख ही रहे हो, कावे वहाँ जाने के लिए इतना ज़्यादा बेताब रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उनके घर जाके, क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, जब ये चार पाँच महीने का था जब से वो लोग इसको लेके जाते थे, तो तब से ना इसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है उनके साथ। तो बस अब कावे तो जा रहा है दो चार दिन के लिए, याना मैडम जी अभी अंदर रो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अंदर ही रही हो ठीक है।